हमारे पास कल एक केस आया था सरका घाट से, देवभ्राता से। एक लड़का है वहाँ, 21 साल का बच्चा है वो सरका घाट, पहले वो सरका घाट हॉस्पिटल में आया, वहाँ उसको मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी उन्होंने देखा, तो उसको ब्रेथलेसनेस के साइन थे और थोड़ी उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस फूल रही थी उसकी और बुखार उसको आ रहा था। तो वहाँ मेडिकल ऑफिसर ने देखा और उसको उसकी हिस्ट्री, तो उसमें पाया कि वो जो बच्चा है उसकी बचपन से ये किडनी नहीं थी, दूसरी किडनी की भी उसकी फेल थी और दूसरी किडनी की इलाज के लिए वो दिल्ली जाता था और अभी भी पीछे वो दिल्ली गया था। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं उसकी मिल रही कि कब गया था, लेकिन वो वापस जो है दिल्ली से 1 तारीख को आया, सवेरे 6 बजे वो दिल्ली से चला है और 8 बजे वो घर में पहुँचा हुआ है। और घर में वो रहा, लेकिन क्योंकि वो किडनी फेलियर में था तो उसको दिक्कत होती रहती थी, दिल्ली में भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं हुई क्योंकि कोविड इसकी ये जो लॉकडाउन था इसकी वजह से उसको शायद वहाँ इतनी हेल्प नहीं मिल पाई है, तो इसलिए वो परेशान था। और कल वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया उसको मंडी के लिए भाई। तो उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी रखी, सैंपल भी ले लिया था उसका। उसके बाद वो यहाँ मंडी हॉस्पिटल में आया, तो मंडी में भी उसकी सांस में बहुत तकलीफ थी उसको और वो फेब्राइल भी था, तो उनके चेस्ट में एक्सरे कराया गया यहाँ पर, तो एक्सरे में उसके कंसोलिडेशन दोनों तरफ कंसोलिडेशन निकली। तो इन्होंने भी जब देखा तो इनको सस्पेक्ट किया कि ये हो सकता है कि उसमें कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो इसको परे हमारे कोविड हॉस्पिटल जो नीर चौक मेडिकल कॉलेज है वहाँ इसको रेफ़र कर दिया। वहाँ रेफ़र करने के बाद इसको वहाँ भी देखा, उन्होंने मेडिकल अफसर ने वहाँ देखा है, उन ड्यूटी पे थे और उनको भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं लगी और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन क्योंकि इसकी किडनी नहीं थी, डायलिसिस ये कराता था तो इसको डायलिसिस की बहुत ज़रूरत थी। तो वहाँ जो उनसे बात हुई प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल अफसर ने यहाँ सोचा कि इसका डायलिसिस कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किडनी फेलियर का पेशेंट है, बच्चा है और कोरोना पॉजिटिव के लिए टेस्ट, इसका कोरोना के लिए इसका टेस्ट ले लिया गया है, तो जांच भी चली रहेगी और इसको रेफ़र कर देता। और उन्होंने कल रात को उसको रेफ़र कर दिया, 8 बजे वहाँ से गया है, 3 बजे शिमला IGMC में पहुँचा है। वहाँ उन्होंने इसको चेक किया और जो MSC शिमला बात है उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनकी कंडीशन, बच्चे की कंडीशन देख के मेडिकल अफसर ने वहाँ भी उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया था और वो मेडिकल कॉलेज शिमला में भी उन्होंने टेस्ट लगा दिया था। यहाँ की जो रिपोर्ट है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो कंफर्मेटरी रिपोर्ट थी उसमें इनकन्क्लूसिव आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज शिमला में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 5:54 पर आज शाम को इसकी वहाँ शिमला में डेथ हो गई है। तो ये इसकी ये है। और अब हम इसके कंटेक्ट ट्रेसिंग इसके घर की कर रहे हैं, हमने BMO संधोल को बता दिया है, उन्होंने वहाँ से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर जो है इसके घर में भेज दी है। अभी वहाँ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे और जैसे ही या तो उनको चेक करेंगे, कोई सिम्टम होगा तो उनका सैंपल लेंगे, अगर सिम्टम नहीं होगा तो भी हम इनका सैंपल सभी का, जो भी इसके घर के लोग हैं, इसके माता हैं, पिता हैं, इसका छोटा ब्रदर है, इसके ताया जी हैं जो इसके कॉन्टैक्ट में हैं, उनका भी हम सबका सैंपल लेंगे, सबकी जांच करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टाफ इसके कॉन्टैक्ट में आया हुआ है मेडिकल कॉलेज में भी और जनरल अस्पताल मंडी में भी और सरका घाट में भी, उन सब की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि कैसे कैसे उनका एक्सपोजर हुआ है, उससे कितना हुआ है, अगर इस तरह का कोई हुआ है तो उनकी भी जाँच की जाएगी और उनके लिए टेस्ट की ज़रूरत होगी, उनकी सबकी हम टेस्ट करवाएंगे।